नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे खंड भारत आज तक। विकास तहसील अंतर्गत असाव ग्राम सभा के कोटेदार पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए की निष्पक्ष जांच की मांग। ज्ञात हो ग्राम सभा साव तहसील विकास जिला गाजीपुर निवासी इंद्रजीत तिवारी निर्भीक ने अपनी ग्राम सभा के सरकारी कोटेदार पर राशन वितरण के संबंध में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही जिलाधिकारी व जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को संबोधित करते हुए मामले के निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। श्री तिवारी ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटेदार द्वारा गरीब मजदूरों व किसानों को 2 किलो चना की बजाय केवल 1 किलो चना का वितरण किया जा रहा है, जो कि सरासर अनुचित व अन्यायपूर्ण है। उन्होंने जिलाधिकारी को मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाने में त्वरित कार्यवाही करने की भी मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसमें शिकायतकर्ता ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। मैं कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, राष्ट्रीय महामंत्री विश्वगुरु भारत परिषद, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में सरकारी राशन चीनी मिट्टी तेल विक्रेताओं द्वारा आम उपभोक्ताओं को घटतौली और नाना प्रकार से प्रताड़ित करने का क्रम चल रहा है। उसी क्रम में मेरे ग्राम सभा असाव जिला गाजीपुर, जो जमानिया तहसील अंतर्गत है, वहां के कोटेदार द्वारा जो चना सरकार द्वारा 2 किलो वितरित करने का निर्देश है, 2 किलो न देकर के 1 किलो गरीब मजबूर लोगों को दिया जा रहा है, जो सरासर अन्यायपूर्ण है, सरासर गलत है। इसलिए मैं गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी महोदय, परगना मजिस्ट्रेट जमानिया एवं संबंधित अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं। विशेष रूप से इस योगी जी को से भी मैं आह्वान कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि इस तरह की चोरबाजारी में लिप्त समस्त कोटेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे इस तरह का घृणित कार्य न हो। अन्यथा मैं विश्वगुरु भारत परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संगठित करके एक बृहद जन आंदोलन का रुख भी अख्तियार कर सकता हूँ।